और मध्य प्रदेश में अब डॉक्टरी की पढ़ाई में भाषा बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि 16 अक्टूबर से एमपी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई 16 अक्टूबर को भोपाल से इसकी होगी शुरुआत। सीएम शिवराज ने ट्विटर पर बदली डीपी। जी हाँ, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इसी दौरान शाह इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। उधर इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी वॉर रूम मंदार बनाया गया है, जहां से एमबीबीएस के लिए हिंदी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। वहीं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के प्रचार प्रसार की तैयारियों की झलक सोशल मीडिया में भी दिखने लगी है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का ये ट्विटर प्रोफाइल देखिए, इसमें डीपी बदल दी गई है। सीएम की तस्वीर की जगह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई वाली डीपी लगी है। उधर सीएम ने अभी डीपी बदली ही थी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सीएम को फॉलो करते हुए अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी बदल ली। बहरहाल इधर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी है तो उधर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये काम इतना आसान है, क्योंकि स्टडी मटेरियल से लेकर उसके हिंदी में अनुवाद तक में काफी कठिनाइयां भी है। ये बात बिल्कुल सही, लेकिन स्टडी मटेरियल का अनुवाद इस हिसाब से किया गया है कि भाषा बाधा नहीं बनेगी। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। दरअसल हिंदी के पाठ्यक्रम ब्लड प्रेशर को रक्तचाप नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर ही कहा जाएगा। इसी तरह फोरहेड अग्र भुजा की जगह फोरहेड ही कहा जाएगा। ऑपरेशन को शल्य क्रिया की जगह ऑपरेशन ही लिखा जाएगा, जबकि टेम्परेचर को तापमान भी लिख सकेंगे। वहीं स्पाइन यानी रीढ़ के लिए मेरुदंड नहीं बल्कि स्पाइन शब्द का ही हिंदी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन उदाहरणों से साफ है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने पर भी भाषा किसी तरह की बाधा नहीं बनेगी। बहरहाल अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के फायदे को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। पढ़ाई के आसान होने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। गांव से डॉक्टर निकलेंगे तो गांवों तक डॉक्टरों की पहुंच होगी। मातृभाषा में पढ़ाई होने पर छात्रों की मौलिकता में वृद्धि होगी। अनुसंधान अपनी भाषा में होगा तो इलाज में भी आसानी होगी। इलाज के नाम पर होने वाली अंधाधुंध लूट भी कम होगी। ये बात छिपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों की किल्लत है, और ऐसे में अगर गांव देहात और दूर दराज के इलाकों से डॉक्टर निकलेंगे तो इससे न सिर्फ मेडिकल सेवाओं का विस्तार होगा बल्कि डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। टीम न्यूज स्टे। ग्वालियर के जयविलास पैलेस की तारीफ हर वो व्यक्ति करता है जो एक बार उसे देख